में MBBS की पढ़ाई वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में लॉन्च की हिंदी में कोर्स की किताबें। शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया शिलान्यास। करीब 450 करोड़ की लागत से बनेगा विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल। पीएम मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राज को किया समर्पित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 जिलों में 75 यूनिट्स की शुरुआत। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई कल करेगी पूछताछ। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी पूछताछ के लिए बुलाए जाने की जानकारी। दिल्ली के पटेल नगर में युवक की मौत के बाद तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। 2 दिन पहले मारपीट में घायल हुआ था युवक, इलाज के दौरान मौत। इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनकी तस्वीरें हमारे पास हैं और हम जल्दी इन्हें गिरफ्तार करके केस का खुलासा करेंगे। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी। इंदौर के घर में फंदे से लटका मिला शव, मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद। बड़े उलटफेर के साथ हुआ T20 वर्ल्ड कप का आगाज। पहले क्वालिफाइंग मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से दी मात। 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा। आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। स्टक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।